माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुझ पीड़िता को आप लोग न्याय दिला दीजिए। दुर्दांत अपराधी अतुल राय के द्वारा मुझे, मेरे गवाह और मेरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और उस टॉर्चर के फलस्वरूप मेरे केस करने के बाद एक महीने तक हम लोगों को हर तरह से प्रलोभन दिया गया, धमकी दिया गया। जब हम लोग नहीं माने तो मेरे जो पैरोकार है और जो गवाह है उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। ऐसे लड़की से मुकदमा लगवाया गया जिसको हम में से कोई उसे जानता तक नहीं है, ना बाय फेस ना बाय नेम। और उस दिन की सारी जो भी घटना है, जिस डेट में लगाया गया, उस सारे डेट को मैंने जाके और सारे मैटर को जाके मैंने डीजीपी यूपी को एक्सप्लेन किया। मैंने एसपी से मेरे गवाह को ले जाके हम दोनों ने बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह का कुछ भी अच्छा परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। और एसपी बलिया ने हमें ये कहा कि क्राइम ब्रांच को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। क्राइम ब्रांच क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से हमारी हर चीज लीक हो जा रही है, हमारा मैसेज, हमारा कॉल, हर चीज टैप किया जा रहा है। अभी 3 तारीख को हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे तो सारे लोगों को पता था कि हम लोग इलाहाबाद में हैं और उनके लोग हम लोगों के पीछे भी पड़ गए थे। क्या चल रहा है इस देश में हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मैं बिना बाप की असहाय बेटी हूँ, मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और अभी हमें तुरंत हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला है कि अतुल राय के लोगों द्वारा कि हाईकोर्ट के जज तक भी वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एनी हाउ छूट भी जाएंगे और छूटने के बाद फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो उन्नाव की पीड़िता का हाल है, उससे भी बदतर हाल करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से सविनय हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें।